नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोहर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आधारता और जबलपुर में, जहां पर स्वदेशी आंदोलन को लेकर के एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए उनसे हम बातचीत करके जानते हैं कि उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का। आपसे जानना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा धीरे करिएगा, आज का कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया जा रहा है और इसकी यात्रा आपकी कहाँ से चल रही है? ये कार्यक्रम तो पहले से ही संपन्न था 23 और 24 अक्टूबर के लिए जी। और अभी तो हम ये एक शहीद को यहाँ नमन करने के लिए आए थे, उनको याद करने के लिए जी। तो बीच में सब ने यही कहा कि चलो एक बार वहाँ पर चलते हैं, शहीद स्मारक है तो यहाँ पर इसलिए आए। बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है और पूरे देश में इससे लहर बनेगी और स्वदेशी का और राजीव दीक्षित के विचार का जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। और आपकी ये साइकिल है, बड़ी अद्भुत सी साइकिल है, कहाँ से आप सफर कर रहे हैं, कहाँ से यात्रा आपकी शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? शुरू तो ये चरखी दादरी है, हरियाणा में एक शहर है चरखी दादरी, वहाँ से शुरू हुई है और ये आखिरी सांस तक चलती रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि शहीदों के सपनों का भारत जब तक बन नहीं जाएगा, हम लोग रुकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। तो ये आखिरी सफर तो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन ये सांस पूरी हो जाएगी। या तो रहेगा है ना जी, या तो शहीदों के सपनों का भारत बन जाएगा, नहीं तो हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन काम हम यही करेंगे जी। हमारे साथ मदन जी हैं जो इस आंदोलन के और राजीव दीक्षित जी के सहयोगी रहे हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम और आगे की योजना क्या है? देखो, आज हम लोग यहाँ पे बिरसा मुंडा जी के, भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के पास में आए हैं। ये वही विभूति है जिन्होंने आदिवासियों को साथ में लेकर अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। यही आदर्श लेकर हम भी जो है इसी देश से जो है, जो अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएँ चल रही है इस देश में, सारी कृषि व्यवस्था उनकी, सारा शिक्षण व्यवस्था उनकी, उनकी चिकित्सा व्यवस्था उनकी, राजनीतिक व्यवस्था उनकी, तो ये सारी चीज़ें हम चलने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग बिरसा मुंडा बन जाए और ऐसी क्रांति इस देश में हो जाए और इस देश की व्यवस्थाओं को हम बदलना चाहते हैं, जन जन के इसमें स्वदेशी का भाव जगाना चाहते हैं। तो दो दिन से हम लोग यहाँ पर संगोष्ठी के लिए उपस्थित हुए थे। मैं खुद मुंबई से उपस्थित हुआ हूँ जबलपुर में और राजीव दीक्षित जी के प्रेरणा को लेकर स्वदेशी का मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं। देश भर में जो षड्यंत्र चल रहा है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि इस देश का पैसा इस देश में रहे, इस देश की सारी व्यवस्थाएँ भारत की मानसिकता पर यहाँ पर बने, ना कि अंग्रेजों की मानसिकता पर। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जगह जगह से सारे हमारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उपस्थित हुए, कोई जयपुर से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो ऐसे जगह जगह से दिल्ली से सब बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारी बहनें यहाँ पर उपस्थित। और आप देखेंगे कि एक हमारे भाई जो है वो स्पेशल पर्सन है कि जिन्होंने मतलब वो साइकिल यात्रा भी कर रहे हैं, हमारे भोगाट जी, तस्वीर भोगाट जी। और भाई जो है वो अपंग है पैर से, मगर वो भी दो दिन से हमारे साथ में जो जगह जगह पे घूम रहे हैं, जगह जगह पर कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं और अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसको पोलियो हुआ है, जो चल नहीं पाता है, वो भी व्यक्ति जब हमारे संगठन में जुड़ रहा है और हमारे इस कार्यक्रम में आगे आ रहा है, तो जिनके पैर है, भगवान ने सब दिए, आँख पैर सब कुछ दिया हुआ, सुदृढ़ है, तो उन लोगों ने इस सारे संगठन में क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? तो मैं विनंती करता हूँ सभी लोगों से कि स्वदेशी के इस मूवमेंट में जबलपुर के सारे लोग जो है वो जुड़े और अपना सहयोग देश की एक नई व्यवस्था बनाने में सहयोग। भारत माता की। हमारे साथ एक भैया है और आप विकलांग दिव्यांग होकर के भी इस आंदोलन में साथ हैं, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का? ये जितेन भाई ने हमको जब से बताया कि अपन को स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए, विदेशी कंपनियों से अपन को कम करना है जिससे कि भारत की उन्नति हो, यही इसी कारण इसकी वजह से आप यहाँ। हाँ, इनके साथ। और इस आंदोलन में कैसा लगा आपको, क्या लगता है भविष्य निर्माण के लिए किस हद तक ये सभी को प्रेरणा का स्रोत रहेगा? धीरे धीरे सभी लोग दूर पहुंचे जिससे कि अपन स्वदेशी की तरफ बढ़े, ना कि विदेशी की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।